सोलन के रामलोक मंदिर में जल्द ही नागलोक की स्थापना की जाएगी। ये जानकारी रामलोक मंदिर के बाबा अमरदेव ने दी। उन्होंने बताया कि रामलोक मंदिर उत्तरी भारत का पहला नागलोक होगा, जहां पर ये सभी के दुखों को दूर करेगा और सुख समृद्धि लाएगा। आपको बता दें कि इस नागलोक की ये खासियत होगी कि 5 फुट ऊंची नाग माता की मूर्ति स्थापना होगी और नागराज की ऊंची मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। बाबा अमरदेव ने बताया कि रामलोक में भगवान शिव के आशीर्वाद से गौतम ऋषि को खुश कर नागलोक के सत्यापन की अनुमति ले। नागलोक की स्थापना मात्र से हिमाचल आपदाओं से बचा रहेगा, वहीं धन धान्य की हिमाचल में कमी नहीं रहेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिन लोगों को काल सर्प दोष है वो यहां आकर उस दोष को कम कर सकते हैं। सोलन में अपने निजी कार्य से पहुंचे ठाकुर कौल सिंह का सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा को जमकर कोसा और कहा कि भाजपा ने केवल डिक्टेटर शाही की है और साथ में केवल वे जुमलों की पार्टी रही है और उन्होंने देशवासियों को केवल वायदों के अलावा कुछ नहीं दिया, इसलिए समूचा भारत उनकी वास्तविकता से परिचित हो चुका है और वह इनके झांसे में आने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय सीट से उनका प्रत्याशी धनीराम सौंडिल जनता से जुड़ा है और वह लोगों की समस्याओं को जानता है, इसके लिए उसकी जीत निश्चित है। सोलन में पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि उनका प्रत्याशी धनीराम सौंडिल सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि उनका प्रत्याशी जनता से जुड़ा है और मंत्री होते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है। वे धर्म निरपेक्ष हैं और जातिवाद से ऊपर की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि धनीराम सौंडिल अपने क्षेत्रवासियों से भलीभांति परिचित हैं, इसलिए सौंडिल की जीत निश्चित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और एक धार्मिक संस्थान के अनुयायियों पर टिप्पणी करके कांग्रेस के निशाने पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सफाई दी है। सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस पर झूठ बोलकर धार्मिक हमदर्दी लेने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सत्ती ने ऊना में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की पूर्व वीरभद्र सरकार पर समाज में जागृति लाने वाले धार्मिक डेरों के जमीन खरीदने पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस रोक के बाद में बीजेपी की धूमर सरकार ने हटाकर लोगों को राहत दी। सत्ती ने राहुल गांधी पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी को कांग्रेस द्वारा कट पेस्ट कर जनता को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बद्दी में उनके द्वारा किसी और की फेसबुक पोस्ट करके सुनाई गई थी, जो कि राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर चौकीदार चोर की टिप्पणी के बाद उस पोस्ट के धारक के द्वारा राहुल गांधी पर की गई थी। सत्ती ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस पोस्ट को पढ़कर यह दर्शाया था कि यदि राहुल गांधी या कोई भी मोदी को बिना आधार के आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो जनता भी आक्रोशित टिप्पणियां करेंगी, इसलिए वो राजनीति में मर्यादित भाषा प्रयोग किए जाने की बात कहते हैं। तो इनको वोटे मांगने का समय नहीं, इनको लगता है कुछ हो हल्ला किया जाए ताकि जो कंपेन है इसको उलझाया जाए, और हमारे लिए तो अच्छा है कि जो इसी में उलझे रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना कंपेन कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में मैं तो क्या, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता। और एकल विद्यालय संभाग प्रशिक्षण प्रमुख सुनीता देवी ने बताया कि एकल अभियान का जो कार्य है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। नूरपुर भाग में 1290 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय छोटे छोटे गांव में चल रहे हैं। गांव में बच्चे को 5 गतिविधियों का काम सिखाते हैं। पहले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा दी जाती है। बाकी 4 गतिविधियां अपने गाँव के लिए दी जाती है। नूरपुर भाग में जो 1290
विद्यालय चल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा कार्य एकल के माध्यम से ही चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष सुरेश कुलेरिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम था। पहली बार देखा गया कि लोगों द्वारा धर्म रक्षा निधि में अपनी सहयोग राशि अपने दिल से दी गई है। ये राशि प्रदेश में संगठन के जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं, सेवा के कार्य चल रहे हैं, उनके काम में ये राशि खर्च की जाती है। विश्व हिंदू परिषद चंबा नूरपुर विभाग अध्यक्ष उदय पठानिया ने बताया कि धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में समाज व संगठन से जुड़े कार्यकर्ता राशि एकत्रित करते हैं। ये राशि हमारे संगठन को चलाने में और संगठन के विभिन्न सेवा कार्यों को चलाने में ये राशि काम आती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद विनायक राव देशपांडे ने विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी क्या कमियां हैं जो विश्व हिंदू परिषद लोगों को बताती है कि हमारा हिंदू समाज एक नहीं है। भारत में कितने मुसलमान हैं? सब एक हैं। 6 करोड़ ईसाई हैं, सब एक हैं। पर 98 करोड़ हिंदू एक नहीं है, हमारी भी जाति है, मुसलमानों में भी जाति है और ईसाइयों में भी जाति है। सभी आपस में झगड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब इस्लाम की बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ईसाई भी जब ईसाइयत की बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु बड़ी दुखद बात है कि विभिन्न जातियों में बंटने वाले हिंदू कभी भी एक नहीं होते हैं।